हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मॉरिज। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 16 फोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करें। दोस्तों कॉल को आप फॉरवर्ड कैसे करें, दोस्तों जैसे आपका नंबर है आप अपने इनकमिंग कॉल्स को किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफर करना चाहते हैं कि आप हमारा जो इनकमिंग कॉल है वो किसी दूसरे नंबर पर जाए और वहाँ से हम बात करें, या किसी को बात कराना है आप वहाँ से भी बात करा सकते हैं। दोस्तों तो कैसे सेटिंग करना है यही चीज हम आपको यहाँ पे बताने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए हम आपको अपने सेटिंग में चलते हैं और वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग करना है। दोस्तों आप देख रहे हैं जो हमारा डिवाइस है यहाँ पे शो रहा है, अपने डिवाइस से हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको फर्स्ट नंबर में अपने डायलर पैड को ओपन करना है जहाँ से आप फोन लगाते हो। तो हम अपने डायलर पैड को यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा डायलर पैड है यहाँ पे ओपन हो चुका है जहाँ से हम फोन लगाते हैं, और ऊपर में आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है। आपको सर्च के ऑप्शन में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन है तो आपको उस पर क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कॉलिंग अकाउंट का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे सिम वन सिम टू आ जाता है, कौन से सिम का आपको कॉल फॉरवर्डिंग करना है ये चीज़ आपको यहाँ पे चॉइस करना होगा। अपने फोन में कौन से सिम का कौन से नंबर का आपको यहाँ पे सिम के हिसाब से आपको चॉइस करना है, तो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है कौन से सिम का आपको कॉल फॉरवर्डिंग करना है और आपको उस पर क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा, आपको सिम के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला है कॉल फॉरवर्डिंग का, तो आपको उस पर क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके फोन में थोड़ा सा सर्चिंग करेगा और इसके बाद जो ऑप्शन है सभी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आप देख रहे हैं जो कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है सभी यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो आपको फर्स्ट नंबर मिलता है ऑलवेज फॉरवर्ड, तो आपको उस पर क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे नंबर एंटर करने को आ जाता है। दोस्तों अगर आपको नंबर एंटर करना है, मतलब आपको याद है या आप जान रहे हैं या दूसरा कोई नंबर है आपको एंटर करना है, तो आपको यहाँ पे नंबर एंटर कर लेना है। अगर आपको नंबर अपने फोन में सेव है वहाँ से लेना है, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा लोगो आ रहा कॉन्टेंट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके फ़ोन के जितने भी सेव कॉन्टैक्ट होंगे सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे, और जिस पे आपको कॉल फॉरवर्डिंग करना है उस नंबर को आपको यहाँ से चॉइस कर लेना। आप देख रहे हैं सभी नंबर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से नंबर को चॉइस कर लेना, जिस नंबर पर आपको कॉल फॉरवर्डिंग करना है उस नंबर को आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे नंबर को चॉइस कर लेना है और यहाँ पे नंबर ऐड हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा टर्न ऑन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है इसको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा अपडेटिंग करेगा, इसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा यहाँ पे सिमन कॉल फॉरवर्डिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे हो चुका है, हमारे फोन में कॉल फॉरवर्डिंग हो चुका है, हमारे नंबर पर कोई भी फोन नहीं आएगा, जो नंबर मैंने सेव किया उस नंबर पर हमारी सारे इनकमिंग कॉल्स जाने लगेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।